अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू HD। व्यूअर्स, बड़े आज़म एशिया का मकबूल फल फालसा अपने जायके और फरहत बख्श असरात के बायस बड़ी अहमियत का हामिल है। इसका साइंसी नाम ग्रेविया एशियाटिका है, जबकि इसका ताल्लुक टेलीकिया ख़ानदान से है। ये प्यास की शिद्दत में कमी और खूनो दिल के अमराज को ख़त्म करने की तासीर रखता है। फालसे का दरख्त 4 से 8 मीटर तक ऊँचाई वाला एक छोटा दरख्त होता है। इसके पत्ते देखने में दिल की शक्ल के होते हैं, जिनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16.25 सेंटीमीटर होती है। इन पर मौसम बहार में छोटे छोटे पीले रंग के फूल निकलते हैं, जिनकी पत्तियों की लंबाई 2 मिलीमीटर होती है। फल गोल होता है, जिसमें 5 मिलीमीटर चौड़ा बीज पाया जाता है। फालसे का फल बड़े शौक से खाया जाता है। इसमें 81% पानी के अलावा प्रोटीन, चिकनाई, रेशे और नशास्ता पाया जाता है। फालसा एक ऐसा फल है जिसमें लज्जत के अलावा बेशुमार तिब्बी और गिजाई फ़वाद भी पाए जाते हैं। गर्मियों के मौसम में फालसा बहुत बड़ी कुदरती नेमत है। फालसे के तिब्बी फ़वाद, 1, फालसा मकवी दिल होता है। 2, फालसा मैदा और जिगर को ताकत देता है। 3, ये प्यास बुझाता है। 4, पेशाब की सोजिश को ख़त्म करता है। 5, ये मुपरिद और काबिज़ होता है। 6, गर्मी के बुखार को फ़ायदा देता है। 7, फालसा का पानी निकालकर इससे शरबत बनाया जाता है। 8, इख्तलाजुल कलब और खुफकान को बेहद मुफीद होता है। 9, फालसे का रूप भी बनाया जाता है, जिसको मैदा की कुव्वत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 10, फालसे की जड़ का छिलका सुजाक और ज़ियाबतीस में इस्तेमाल कराना मुफीद होता है। 11, फालसे के पानी से गरारे करने से खरनाक को फ़ायदा होता है। 12, ये सफरावी, इसहाल, हिचकी और कै को बंद करता है। 13, तपदिक में फालसे का इस्तेमाल बेहद मुफीद होता है। 14, मैदे और सीने की जलन और गर्मी को दूर करता है। 15, दिल की धड़कन और ख़ास तौर पर बेचैनी को दूर करता है। 16, खट्टा और नीम पुख्ता फालसा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 17, ज़ियाबतीस के लिए फालसे के दरख्त का छिलका 5 तोले और कूजा मिस्री 3 तोले लेकर छिलके को रात पानी में भिगो दें और सुबह मिस्री मिलाकर मरीज़ को ऐसे ही खुराक 5 रोज़ तक पिलाना है। बेहद मुफीद होता है, इससे ज़ियाबतीस, शुगर पर कंट्रोल हो जाता है। 18, जिगर की गर्मी को दूर करने के लिए फालसे को जलाकर खार बनाएं और 3 रत्ती सुबह शाम इस्तेमाल करें। 19, फालसा मुसफ़ा खून भी होता है। जिनका मैदा बोझल रहता हो, तबीयत मतलाती हो और खाने की नाली में जलन महसूस होती हो, 1 पाव फालसे का पानी निकालकर 3 पाव चीनी मिलाकर गाढ़ा शरबत तैयार करें। यही शरबत 3 बड़े चम्मच हर खाने के बाद चाटने से बेहद फ़ायदा होता है। 22, फोड़े फिंसियों पर फालसे के पत्ते रगड़कर लगाने से फौरन फ़ायदा होता है। 23, फालसे को 2 रोज़ से ज़्यादा बगैर फ्रिज के नहीं रखा जा सकता, ख़राब हो जाता है। 24, तेज़ बुखार में फालसे का जूस देने से मरीज़ की तस्कीन होती है। 25, फालसे के बीज काबिज़ होते हैं और सुदा पैदा करते हैं। 26, इसकी जड़ की छाल का जुशांदा बनाकर पीना जोड़ों के दर्द में बेहद मुफीद होता है। 27, फालसे का शरबत फसाद खून को बेहद मुफीद होता है। 28, फालसे की जड़ की छाल 2 तोले रात को भिगोकर सुबह इसका पानी पीने से सीने की जलन दूर हो जाती है। 29, फालसे का मतवातर इस्तेमाल खून और सफरा की तेज़ी को दफ़ा करता है। 30, फालसे के पत्ते, बीज और रस, इनमें किसी एक को पानी में रगड़कर पीने से गर्मी दूर होती है। 31, फालसा सर्द मिजाज वालों के लिए नुकसानदेह होता है। 32, सीने और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है, इसलिए एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। अगर ज़्यादा खा लिया जाए तो फिर गुलकंद थोड़ी सी खा लेने से इसके मुज़र असरात नहीं होते। 33, शरबत फालसा में अगर अरके गुलाब डालकर पिया जाए तो इसके फ़ायदे दुगने हो जाते हैं। 34, फालसा खुश्की और
कब्ज़ पैदा करता है। अगर गुलकंद या माजून फलासफा का एक चम्मच चाय वाला फालसे के बाद ले लिया जाए तो फिर काबिज़ और खुश्क नहीं रहता। बहरहाल फालसे का मकदार के मुताबिक इस्तेमाल करना हर सूरत में फ़ायदा मंद रहता है। व्यूअर्स, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।